गुना बस हादसे से मुख्यमंत्री हुए सख्त, जिसका असर कराहल में देखने को मिला। दिन भर पुलिस ने की वाहन चेकिंग। खबर कराहल से है, जहां बीते दिन गुना में जो भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बस और डंपर की भिड़ंत में 13 यात्रियों की जिंदगी राख हो गई। जांच पड़ताल में पाया गया कि बस और डंपर दोनों ही अनफिट और जर्जर स्थिति में सड़कों पर दौड़ रहे थे, और ऐसे ना जाने कितने खटारा वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने इस घटना पर शोक व्यक्त कर बड़ा एक्शन लेते हुए जिले के जिम्मेदारों अफसरों पर कार्यवाही की है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में सभी वाहनों की सघन चेकिंग करने के आदेश कलेक्टर SP को दिए, जिसका असर कराहल में देखने को मिला। पुलिस ने थाने के सामने चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की फिटनेस बीमा कागज चेक किए। वहीं वाहन बाइक सवारों को हेलमेट और कार सवारों को सीट बेल्ट लगाने के लिए समझाया। वहीं SI PS यादव ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम उल्लंघन करने पर वाहनों पर कार्यवाही की जा रही है, और जो वाहन जर्जर स्थिति में है उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए RTO को पत्र लिखा जाएगा। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, क्या ये चेकिंग किस चीज की चल रही है सर? जे मोटर व्हीकल के तहत जो उल्लंघन कर रहे हैं, उस बात की चेकिंग चल रही है। गाड़ियों की फिटनेस देखी जा रही है, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन देखे जा रहे हैं, गाड़ियों का बीमा देखा जा रहा है, और उनके नियमों का जो पालन कर रहे हैं उनकी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ये किस मतलब आदेश पे चल रही है सर? क्या जो गुना में जो घटना घट गई उसके आदेश पे चल रही है सर पूरे प्रदेश? नहीं, मोटर व्हीकल का वो तो घटना, सभी घटना को तो शुमार करते ही हैं, कोई दुर्घटना नहीं घटा, इसलिए अब सावधानी के लिए हम चेकिंग लगाए। क्या जुर्माना सर इसमें तय किया है? जो मोटर व्हीकल के एक्ट के तहत जुर्माना होता है उसी के तहत हम करते हैं, पोस्ट मशीन से। क्या ये कार्रवाई ऐसा निरंतर जारी रहेंगी? जी हाँ, भ्रष्ट अधिकारियों के आदेश से निरंतर जारी रहेंगे। कंडम वाहन है जो परमिशन भी पूरी हो चुकी है, उन वाहनों के पर जुर्माना होगा सर या उनको? हम RTO से उनका रजिस्ट्रेशन निलंबन के लिए लिखेंगे सर।